बार्टर छिल गए। और धनिया चटनी पीसे हैं और मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। बहुत सारे डिशेज थोड़ा थोड़ा बनाना है, जिसमें धनिया का चटनी बन गया, इन्होंने बनाया है, और टमाटर का चटनी बनना है, आलू फ्राई करनी है, यहाँ पे एक सब्जी चढ़ी हुई है, और देखते हैं क्या क्या बना पाते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको और कुछ। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। और आज है 70 और समय हो रहे हैं 12 बज गए हैं। मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ और मेरा चेहरा उदास लग रहा होगा आप लोगों को। और मैं दो ब्लॉग में ये मेंशन कर चुकी हूँ कि स्वस्तिक का एग्ज़ाम चल रहा है, आने वाला है। तो अभी दो पेपर हो गया है, जो कि स्पोकन था और सोशल स्टडी था। तो ये दो एग्ज़ाम हो गया है और आने वाला एग्ज़ाम 21 से स्टार्ट होने वाला है। तो मैं काफ़ी व्यस्त होने वाली हूँ, क्योंकि अभी स्वस्तिक स्कूल गया हुआ है, इस बीच का ये ब्लॉग है। और जब वो स्कूल चला जाता है, फिर पूजा आती है, फिर पूजा घर का काम करती है, उसके बाद मैं अपना काम शुरू करती हूँ। मेरे साथ मिस हैपनिंग ये हुआ है, मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है और हाथ से कपड़ा धोने की नौबत आ गई है, क्योंकि मिस्त्री को फ़ोन किया गया तो वो कहीं गांव गया हुआ है, तो वो हो सकता है कल आए या कल आज शाम तक आए, तो मेरी वॉशिंग मशीन जो है ठीक होगी, फिर कपड़े धुलेगी। तब तक आज के लिए थैंकफुल पूजा, पूजा कपड़ा धो दी है। कुछ कपड़ा है जैसे कि अभी आज का अभी का जो कि अभी होंगे, वो मैं सूखा ही रखूँगी जब तक मेरे वॉशिंग मशीन सही नहीं हो जाते हैं। और ये लेकर आए हैं मिर्ची और नींबू का अचार ला बनाने के लिए। तो शायद इस ब्लॉग में मैं ये भी मेंशन करूँगी, नींबू मिर्ची का साधारण सा, जो नींबू का रस गाड़ के नमक और मिर्ची लंबे लंबे काट कर डालते हैं ना, वो वाला अचार, क्योंकि मेरे पति को मिर्ची खाना बहुत पसंद है और वो बार बार मिर्ची ले आते हैं कि तुम इसे बना दो, तो मैं शायद वो भी मेंशन कर दूँ। फ़िलहाल मैं आज के खाने में थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा ही चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ अभी किचन में, क्योंकि मुझे सब्ज़ी धोना है। तो सब्ज़ी धोकर फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैं आ गई हूँ अभी किचन में, मेरा किचन का आधा काम हुआ है, आधा वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। सुबह का जो ब्रेकफास्ट होते हैं वो या तो भुजिया कचौड़ी स्वस्तिक के हिसाब से होता है, और आज वो जैसे मैं कल बनाई थी मुगलई पराठा, तो स्वस्तिक का कहना था कि पनीर मुगलई पराठा मुझे दीजिए, तो मैं मॉर्निंग में उसके लिए वही की। और अभी मैं जा रही हूँ सब्ज़ी धोने के लिए, सब्ज़ी बहुत सारा आया हुआ है और उसको धोकर मुझे फ्रिज में लगाना है, और साथ में मुझे खाना जब तक तैयार करना है, जब तक ये गए हैं स्नान करने, चूँकि आज मॉर्निंग में इन्होंने स्नान नहीं किया था और अभी ये गए हैं स्नान करने, और ये ही पूजा करेंगे, तब तक मैं इधर का सारा काम निपटा लेती हूँ। चलती हूँ स्नान ध्यान करने के लिए। मैं इनका खाना निकाल दी हूँ, आप घंटी का बेल सुन रहे घंटी का बेल सुन रहे होंगे। मेरे घर में पूजा चल रहा है, ये पूजा कर रहे हैं और मैं नहा लेती हूँ, फ्रेश हो लेती हूँ, क्योंकि कुछ काम है जो कि अभी बाकी है, जैसे कि अचार बनाना नींबू मिर्ची वाला,
और सब्जी को वॉश करना, तो मैं नहा के निकलूंगी तो वो काम करूंगी। इनका खाना मैं लगा दी हूँ जो कि आप अभी देख चुके हैं, और ठीक है फिर मैं निकलती हूँ और ये स्वस्तिक करूँगी। मैं स्नान करके आ गई हूँ और मुझे लग गया है बहुत जोरों का भूख। मैं सिंदूर बिंदी लगा ली और फिलहाल मैं खाना खाऊंगी, फिर आगे का काम होगा। तो मैं चलती हूँ। आज है ब्लॉग का सेकेंड डे। मैं कल ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, मैं उसका रीज़न बता देती हूँ। मेरा फ़ोन अचानक से कैमरा ना धुंधला दिखने लग गया था, और वो हुआ था इसलिए कि वहाँ पे पानी गिरा हुआ था, मैं फ़ोन रख दी थी तो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो फिर ये लेकर चले गए फ़ोन को, दोनों फ़ोन को थोड़ा सा स्क्रीन गार्ड ठीक कराना था, दोनों का शीशा चेंज करवाए। तो फिर ये एक फ़ोन तो आ गया था तुरंत, आईफोन जो है हमारा, और जिससे मैं वीडियो शूट करती हूँ वो फ़ोन रह गया था। और वो फ़ोन आया लगभग मेरे पास 9:30 में, और मेरी सारी काम हो चुकी हुई थी, मैं कोई भी वीडियो नहीं शूट कर पाई। और प्रॉपरली जो मैं वीडियो शूट करती हूँ वो कैमरा से करती हूँ, लेकिन जो ब्लॉगिंग होता है वो मैं मोबाइल फ़ोन से ही करती हूँ, तो वो नहीं हो पाया हमारा। और आज है नेक्स्ट डे, मैं सोची क्यों ना कंप्लीट करके मैं अपलोड कर दूँ इस वीडियो को। तो आज मैं थोड़ा सा फिर लेट उठी हूँ, और लेट क्या, स्वस्तिक को 5 बजे से उठाकर मैं पढ़ाई थी, 5 से लगता है 6, 6:30 बजे तक वो पढ़ा, और रिटर्न हम लोग सो गए तो फिर लेट उठे हम लोग। फिर उसके बाद जो सुबह का ब्रश व्रश होता है वो हो गया, स्वस्तिक को मैं अभी जस्ट मिल्क बना के दी हूँ, और मुझे बेड वेड भी अरेंज करना है। वैसे ही बेड पड़ा हुआ है और रजाई वजाई खुली हुई है, उसको भी समेटना है। स्वस्तिक को मुझे मिल्क देना है, और मैं एक बात मेंशन कर देती हूँ, स्वस्तिक का एग्ज़ाम है तो अभी लगता नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कोई वीडियो अपलोड कर पाऊँगी। और बस अभी स्वस्तिक को, मेरी बगल में एक दोस्त रहती है तो वो बोली, उसका भी बच्चा सेम क्लास सेम सेक्शन में है, कि दोनों की एक से अच्छे स्टडी हो जाएगी, दोनों एक साथ यदि पढ़ेगा तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। तो मैं अभी 1 घंटे के लिए अपने बेटे को वहाँ भेजने वाली हूँ, उसके लिए मैं सबसे पहले दूध दे दूँ। नहीं चाहिए था पर मुझे इतना ऊपर है। और बैग समेट लेना, सॉक्स पहन लो। बैग समेटा हुआ है। अच्छा ओके, फिर रुद्र के पास जाना है। ओके बाय मैम। बाय बेटू। बाय बाय। स्टडी से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और आप भी अपने बच्चे को ग्रुप स्टडी जरूर करवाएं। और चूंकि परसों से एग्जामिनेशन है, और हम लोग अपने बच्चों के लिए लगे पड़े हैं कि कैसे वो अच्छा कर ले। और मेरी जो दोस्त एकदम जस्ट घर के बगल में रहती है, तो चूंकि मैं तो रेंट पे रहती हूँ, उसका ये अपना घर है बगल में, तो और मेरी पड़ोसी भी है, तो चलो कोई बात नहीं है, अच्छा वो करके देगी। और 11 बजे वो आ जाएगा, तब तक मैं मुझे फटाफट अपने घर का काम निपटाना है। यहाँ पे मैं अपने रूम का ब्लैंकेट समेट रही हूँ, और स्वस्तिक के रूम में मैं समेट चुकी हूँ। तो यहाँ पे अपने घर का काम निपटा कर और मैं फिर वापस किचन में गई। जैसा कि मैं कल के वीडियो में बताई थी कि मेरे हस्बैंड को और मिर्ची का अचार खाना बेहद पसंद है, तो यहाँ पे मैं एक जार में कुछ मिर्ची का कट लगाकर डालकर नींबू का जूस डाल रही हूँ। लगभग 2 से 3 नींबू का जूस मैंने इसमें डाला है, और साथ में इसमें 2 से 3 चम्मच नमक भी मैं डालूँगी। इसके बाद 2 से 3 दिन आपको छत पे धूप में डालना है, या फिर आपके घर के किसी विंडो पे धूप आता है तो वहाँ पे भी आप डाल सकते हो, और इसकी कलर आपकी येलो हो जाएगी। उसके बाद आप इसे चावल या फिर किसी भी खाने में आप इसे खा सकते हो। तो फिर मैं वापस किचन में आ गई हूँ। मैं अभी मैं बना रही हूँ आलू कटहल की सब्जी, चावल दाल, और आटा गूंदा हुआ है। जिसको रोटी खाने की इच्छा होगी मैं 2 पराठे या 2 रोटी भी बना दूंगी,
और आज इतने ही खाना बनेगा, ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ मैं। और क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश भी करना है, थोड़ा पूजा पाठ भी करना है, और नींबू काटने से मुझे नींबू की चाय पीने की इच्छा कर गई है। और मुझे लेमन टी बहुत पसंद है, लेकिन पूजा को सही से बनाने नहीं आता है। वो हमेशा से चाय पत्ती ज़्यादा डाल देती है और वो कड़वा हो जाता है। और सुबह का टी वही बनाती है, सुबह में जो मिल जाए, कॉफ़ी चाय और लेमन टी तो पी लेती हूँ। लेकिन अपनी जो इच्छा होती है कि सुबह में लेमन टी ही मिले, ऐसी होती है हमारी इच्छा। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि सुबह का जो पहला मैं चाय पी वो ख़राब हो। उसको जो आता है वो बना के मुझे दे देती है, मैं पी लेती हूँ। तो अभी मैं लेमन टी पीने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरे घर में कोई नहीं है और मुझे क्या लगता है कि कोई, मतलब मेरे ये पति आ जाए ताकि उनके साथ मैं अपना चाय शेयर कर पाऊँ। तो मैं एक बार उनको कॉल करती हूँ, देखती हूँ वो क्या बोलते हैं। जस्ट आएंगे तो मैं लेमन टी बना लूँगी। अब बोलेंगे कि यदि थोड़ी देर बाद आऊँगी तो मैं अकेले पी लूँगी। बस मैं चाय पीते हुए अब ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि अभी मैं बोली थी कि मेरे हस्बैंड आएंगे फिर मैं लेमन टी बनाऊँगी, लेकिन उनको फ़ोन करने के बाद पता चला उनके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए वो लैपटॉप को लेकर लैपटॉप सर्विस सेंटर गए हुए हैं। उनको आने में एक से डेढ़ घंटा लग सकता है। तो मुझे क्या लगा कि मुझे अपनी चाय पी लेनी चाहिए। और स्वस्थ गया हुआ है वो तो आपको पता ही है, खाना मेरा रेडी हो चुका हुआ है और मैं अब फ्रेश होने जाऊंगी। फ्रेश होने के बाद मैं पूजा पाठ करूंगी, फिर स्वस्तिक आ जाएगा। उसको खाना देने के बाद मैं लगातार उसको पढ़ाने की कोशिश करूंगी। बीच बीच में उसको प्लेटली ढंग से, जैसे कि खेलना कूदना के, खेलने कूदने के साथ, ऐसा नहीं कि उसको रिजिट कर दूंगी, थोड़ा थोड़ा प्यार मोहब्बत से उसे बढ़ाऊँगी ताकि वो गुस्सा ना हो। चूँकि बच्चा कंटिन्यू बैठा हुआ होता है ना, तो वो प्रेशर में हो जाता है कि लगातार मुझे मम्मा बैठा रखी है। तो मुझे बड़े प्यार से उसके फेवरेट चीज़ को बना बना कर खिला खिला कर और उससे एक बॉन्डिंग ऐसा बनाऊंगी ताकि उसको ऐसा ना लगे कि मम्मा पढ़ा रही है। मम्मा मेरे लिए कितना मतलब ये है कि बच्चा मेरा पढ़ ले, मतलब उसके दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स डालूंगी ताकि वो खुद से पढ़ना चाहेगा। और आप सभी को भी मैं कहना चाहती हूँ, यदि बच्चे को आप लगातार पढ़ा रहे हैं तो वो रिजिड हो जाएगा। उसके लिए आपको तरह तरह चीज़ अपनाना होगा, जैसे कि उसके जो फेवरेट डिश है उसको बनाइए, बीच बीच में उसको ऐसी फन वाली बात बोलिए ताकि उसका ब्रेन वॉश हो, और फिर उसके बाद आप ऐसी कुछ चीज़ें उसके लिए छोटी छोटी चीज़ करते रहिए ताकि उसको ये लगे कि अभी उसके घर में इतनी इम्पोर्टेंस है, कुछ भी नहीं है। चूँकि मैं उसको बार बार ये बात बोलती हूँ कि बेटा मैं अपनी पूरी लाइफ स्टाइल तुम्हारे वजह से मैं चेंज करके रखी हूँ, लेट उठना, रात तक तुमको देर तक पढ़ाना, कहीं नहीं जाना और सादा खाना बनाना, मतलब इतना कि मैं किचन में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ, ना ही किसी चीज़ में काम देती हूँ। सिर्फ और सिर्फ उसको ये फोकस कराती हूँ कि स्वस्तिक अभी जो एग्ज़ाम वाला टाइम है वो सबसे हमारे लिए, तुम्हारे लिए, पापा के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंस है, तुम बस बेटा अच्छा से कर लो। और ऐसा फील होता है जब हम लोग टेंथ का एग्ज़ाम देते हैं, तो इतनी तो मेरी माँ मेरे लिए नहीं की थी, और हम लोग 4-5 क्लास में ही है बच्चा, तो इतना हम लोग पॉजिटिव होते हैं बच्चों को लेकर, होना भी चाहिए, समय बहुत बदल गया है। और बच्चा सीनियर में जाने वाला है, तो बच्चा जब सीनियर में चले जाएगा तो माँ की भी जवाबदेही बढ़ जाती है कि और भी एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। तो खैर ये सब बात तो थी मेरी पर्सनल लाइफ की जो कि मैं आप लोगों से शेयर की, और वीडियो आपको कैसा लगता है वो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यदि